न वफा होगी न वफा की बात होगी, न वफा होगी न वफा की बात होगी। अब इश्क होगी भी तो परीक्षा के बाद होगी। जय हिंद दोस्तों, मैं सनी देवल आपके अपने YouTube चैनल बिहारी मीडियम में स्वागत करता हूं। आज का क्लास यानी आज का जो वीडियो हम बनाए हैं उसमें एक जानकारी आप लोग से लेना है कि आखिर इंग्लिश में पढ़ा पहले कौन चीज को जाए। ये वीडियो में सिर्फ आप लोग को कमेंट कर करके ये बताना है कि हाँ सर इस चीज को पहले स्टार्ट किया जाए। जैसे मेरे पास दो विचार था, पहला विचार कि इंग्लिश ग्रामर के साथ साथ पूरे टॉपिक को पढ़ा जाए जो एग्जाम के व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, दूसरा जो इंग्लिश न्यूज़पेपर जो स्पोकन के दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो कौन सा सेक्शन को पहले पढ़ना चाहते हैं उसको कमेंट करके आप बताइएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम ओरिजिनल एक्सपर्ट इंग्लिश में ही हैं, यानी इंग्लिश पढ़ने और पढ़ाने के अलावा कुछ हम जीवन में किए नहीं हैं। हम कोई एग्ज़ाम का तैयारी भी करते हैं तो सिर्फ यही मान के उसमें सिर्फ इंग्लिश पूछता और इंग्लिश ही हम हैं, इंग्लिश से हम, हमसे इंग्लिश, बस इसी चीज के लिए हम बने हैं। तो आप लोग को कमेंट करके बताना है कि हाँ सर ग्रामर, और बताना ये है जैसे हम सोच रहे हैं कि दो वीडियो बनाया जाए, पहला एक बुक का लिस्ट का वीडियो बनाया जाए कि हाँ इस एग्जाम के दृष्टिकोण से ये बुक जो मार्केट में अवेलेबल है, इधर उधर का बुक की बात हम नहीं करेंगे, जो जनरली हर स्टूडेंट के मार्केट में मिल जाता है लोकल मार्केट में, ये नहीं कि दिल्ली बॉम्बे से मंगाना पड़ जाए, हालांकि अब ऑनलाइन में आ भी जाता है, मगर हम उस टॉपिक पर नहीं बात करेंगे, जो इजीली अवेलेबल है जिसको आप पढ़ सकते हैं और उसको एग्जाम पे क्वालिफाई कर सकते हैं, उस एक बुक का लिस्ट तैयार करेंगे और उसको आप लोग के सामने प्रेजेंट करेंगे। जैसे हम पढ़ते हैं, जैसे अब कोई टीचर है तो टीचर कब बनता है, जब वो पढ़ते पढ़ते बहुत ज़्यादा पढ़ लेता है तो वो टीचर बन जाता है। आप लोग भी बहुत ज़्यादा पढ़ लीजिएगा, कुछ नहीं होगा तो आप लोग भी टीचर बन जाइएगा, क्योंकि बिहार में तो यही एक है। तो उसको कैसे, जैसे हम पढ़ते हैं मेरा क्या तरीका है, कितने घंटे पढ़ते हैं, किस तरीका से पढ़ते हैं, वोकैब को कितना समय देते हैं, ग्रामर को कितना समय देते हैं, रीडिंग को कितना समय देते हैं, तो इन सभी चीज़ को हम बताएंगे एक वीडियो में। और दूसरा वीडियो होगा, इसमें हम लोग न्यूज़पेपर के आर्टिकल को पढ़ना सीखेंगे कि आखिर न्यूज़पेपर से कैसे हमारे काम का चीज़ निकाला जाए। न्यूज़पेपर में बहुत फालतू चीज़ होता है और बहुत अच्छा बात भी होता है। अब न्यूज़पेपर कोई पढ़ता नहीं, मगर हम लोग इंग्लिश न्यूज़पेपर के बारे में बात करेंगे कि उसमें कैसे अपने काम की चीज़ को निकाल कर और पढ़ा जाए। तो ये दो वीडियो हैं, दोनों में से कौन सा पहले लाएं आपको कॉमेंट करके बताना है, और ओरिजिनल पढ़ाई यहाँ से स्टार्ट करना है। ओरिजिनल का मतलब होता है जो ऑथेंटिक पढ़ाई है, जो रियल पढ़ाई है, उसको इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ये अभी तक का यानी अब का जो भी वीडियो होगा वो इंग्लिश से ही रिलेट करेगा, बाकी सेक्शन और सर आपको पढ़ाते चल जाएंगे। तो कैसे पढ़ना है, आप किस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, सीडीएस, एसएससी, हाल फिलहाल में एसएससी का फॉर्म भी आया है, सीएचएसएल और सीजीएल जो 21 तारीख को आ भी गया है, तो आप किस चीज़ की तैयारी करते हैं कॉमेंट करके बताइएगा और उसी अनुसार हम आपको पढ़ाएंगे। तो चलिए आज का सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इस चैनल के साथ बने रहिए। हैव अ नाइस डे, मुस्कुराते रहिए, धन्यवाद।